नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नई हीरो प्लेजर प्लस BS6 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या इसके इंजन के अंदर, इसके डिजाइन के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या है, कितनी इसकी प्राइस होगी, किसका कितना इसका इंजन पावर फिकेशन होगा या जो भी होगा, उसके बारे में फुल डिटेल के अंदर आपको जानकारी दूंगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कि हम ऐसे ही ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हर न्यूज़ और अपडेट लेकर आते रहते हैं आपके लिए, वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भी बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसके डिज़ाइन के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया। जैसा जो हीरो की प्लेजर प्लस जो पहले थी, वो VS4 उसी के अनुरूप है। बस यहाँ पर आपको कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। ज़रूर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको सामने की तरफ कुछ क्रोम वर्क दिया गया है। जो हेडलैम्प है वो LED ना होकर हेलोजन हेडलैम्प है, और उसके साइड में चारों तरफ एक क्रोम पट्टी दे दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिल्कुल एकदम पूरी क्रोम पट्टी दे दी गई है। पहले यहाँ पर क्रोम की बजाय सिल्वर कलर की एक फिनिश दी जाती थी। बाकी आप नीचे की साइड देखें तो यहाँ पर भी आपको जो इंडिकेटर्स है उनके बीच में भी आपको एक क्रोम फिनिश दे दी गई, और उनके जस्ट ऊपर आपको हीरो का 3D क्रोम लोगो दे दिया गया। जैसे कि आपने हीरो की जो BS6 बाइक है उसके ऊपर भी देखा था, जो 3D लोगो है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी साइड पैनल के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, साइड पैनल जो है पीछे का, उसके ऊपर भी आपको बिल्कुल एक क्रोम पट्टी दी गई है। बाकी उसके डिज़ाइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वही सेम डिज़ाइन है, बस कॉस्मेटिक बदलाव किया गया है। बाकी अब बात करें इसके और चेंज की, तो यहाँ पर भी इसके अंदर आपको ड्यूल टैक्स से सीट दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ड्यूल टैक्स से सीट दी गई है, जिसकी वजह से आप जो ड्राइवर है वो एकदम ब्रेक लगाने पर ज़्यादा एकदम आगे ना खिसके, उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर ड्यूल टैक्स से सीट दी गई है। अब बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो यहाँ पर आपको मैनुअल स्पीडोमीटर मिल जाएगा। इसके साइड कॉर्नर में आपको फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड, हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के सिग्नल्स मिल जाएंगे। अब बात करें इसके व्हील्स की, तो इसके अंदर आपको 10 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूबलेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, यानी कि ट्यूबलेस का ऑप्शन दिया गया, ट्यूबलेस टायर का। बाकी यहाँ इग्निशन की बात करें तो यहाँ इग्निशन के पास में जस्ट कुछ स्टोरेज दी गई, और उसी स्टोरेज के बीच में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो यार वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसके जो डायमेंशन है वो जो इसकी लेंथ है वो 1769 mm की है, और बाकी जो इसकी विड्थ है वो 604 mm, और इसकी हाइट है वो 1161 mm की है। वहीं इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी प्राइस जो है वो 54,000 रुपये से शुरू किया है, जो कि एक शोरूम दिल्ली है। बाकी इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके अंदर 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। तो देखा जाए तो माइलेज और प्राइस के मामले में काफ़ी अच्छा रखा गया है। हालांकि कुछ फीचर्स कम है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कंपटीटिव रखी गई है। तो यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।